तमाम तस्वीरें और वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने अपनी हार स्वीकारी और जनता के फैसले पर बोला है कि हार की समीक्षा करेंगी। इस वक्त तो उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उर्मिला, क्या कहेंगी आप, ये सीट बहुत टफ था, आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगी आप? कहने के लिए कुछ नहीं है, वर्डिक्ट सामने है और उसे एक्सेप्ट करने का वक्त है। और मुझे लगता है एक लंबे सफर की शुरुआत की एक छोटी सी क्या कहते हैं जो ग्लिच है वो है और वो निकल जाएगी, क्योंकि अगर आपका सफर ही लंबा तय है तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। अभिनेता अभिनेत्री आती हैं राजनीति में, उसके बाद जब हार जाती है तो फिर उसे वापस उसी। ये सवाल बहुत तकियानों से और बोरिंग हो चुका है, कोई नया सवाल हो तो पूछिए। मैं तो कहीं जाने के लिए आई नहीं हूँ, और अगर जाने के लिए आई होती तो यहाँ बैठ के आपके सवालों का जवाब देती नहीं होती। कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है इस पूरे चुनाव में, पता है, मैं भी टीवी देखती हूँ। आपको गोपाल शेट्टी छोटी बहन मान रहे हैं, वो भी कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही कोई आरोप लगा रहे, आप भी नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में बदलाव आ रहा है? मुझे वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में और अपने पूरे कैंपेन में कभी किसी के ऊपर अपशब्द या किसी भी तरह की निजी टिप्पणियां नहीं की, मैं वही कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल, आप जब भी कैंपेन में गई, कभी वड़ा पाव खाई, कभी रिक्शा चलाई, कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई, क्या जनता के बीच? ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, अगर आप इसके बारे में कुछ सोचे मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिला मातोंडकर जो की नॉर्थ सीट से उम्मीदवार थी और अब हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कैमरामैन श्याम शर्मा के साथ राहुल देव शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुंबई।